नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि छात्रों ने मुझसे अनुरोध किया था कि आप राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एपिसोड से लेकर आएँ, लेक्चर्स लेकर आएँ, तो उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं आज से ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। और आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मैं राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट तीनों को एक साथ कैसे शामिल कर सकता हूं। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जो हिंदी साहित्य है वह एग्जाम के नाम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे पीएससी की परीक्षा हो, या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंध में आते हैं। तो यह जो मेरा लेक्चर है यह समान रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। राजस्थान पीएससी का भी सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन 2020 के हिसाब से मैं यहाँ पर चालू किया हूँ और एमपीपीएससी में तो यह शामिल है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास तो वहाँ पर रहेगा ही, और यूजीसी नेट का तो आप जानते ही हैं पैटर्न कैसा होता है, परीक्षा कैसी होती है। तो मेरा जो आज का लेक्चर है यह है भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण कथन। और ये जो मैं कथन लेकर आया हूँ ये प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एंडलेस सीरीज लेकर आने वाला हूं। यह सीरीज ऐसा है जो कंटिन्यू चलता रहेगा और आप लोगों के काम के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, और अंत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड कैसा लगा और आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो भक्ति काल के संबंध में ये महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कहा है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारतीय दर्शन है, भारत के जो चिंतन प्रणाली है उसी का स्वाभाविक विकास है भक्ति आंदोलन। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये वे सभी कथन है जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। इसके बाद डॉक्टर बियर्सन ने कहा है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल की तारीफ करते हुए यह सारी बातें कही है कि गौतम बुद्ध के समय में जो बौद्ध धर्म का आंदोलन हुआ था उससे भी यह विशाल आंदोलन है और इसका प्रभाव अभी भी विद्यमान है, डॉक्टर बियर्सन ने कहा है। इसके बाद डॉक्टर बियर्सन ने अभी कहा है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। मतलब कोई भी हिंदू यह नहीं बता सकता कि यह भक्ति आंदोलन कहां से आया, कैसे अचानक बिजली की तरह चमक गया, डॉक्टर बियर्सन। इसके बाद भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, डॉक्टर ग्रियर्सन का यह कहना कि जो भारत का जो भक्ति आंदोलन है या जो भक्ति काव्य है इस पर किसका प्रभाव है, ईसाइयत की देन है, ईसाइयों की देन है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह स्टेटमेंट प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया भारत में, मंदिरों को गिराया जाने लगा, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगा, तब उनके पास भगवान के शरण में जाने के सिवा कोई भी और स्थान नहीं था, इसीलिए भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया। बाद में इसका अन्य आलोचकों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है और उनके इस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, लेकिन प्राय परीक्षाओं में यह सेंटेंस पूछा जाता है। इसके बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। तो ये इन्होंने उनका विरोध किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि ये अपने आप इन्होंने जन्म लिया, भारतीय चिंताधारा का यह स्वाभाविक विकास है और यह भारतीय इतिहास में एक अपने ढंग का अलग ही साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कबीर दास जी की तारीफ करते हुए कहा है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। किसमें? कबीर दास में। इसके बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये वाक्य प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यह किसने कहा है, किसके लिए कहा है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास जी के बारे में, निर्गुण जो भक्त कवि हैं, जो ज्ञानाश्रय जिसे कहा जाता है ना, निर्गुण भक्त कवि, इनके दो भाग हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय मतलब जो संत कवि होते हैं, प्रेमाश्रय मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी इत्यादि है। तो ये इन्होंने कहा कि नाथ पंथियों के यहाँ जो कर्म की दिशा रही वही इनमें भी रही, कबीर और निर्गुण पंथों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की समीक्षा करते हुए यह बात कही, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में यह कहा जाता है कि वे कबीर के साथ न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि उनके प्रिय कवि थे तुलसीदास जी, तो वे कबीर के साथ न्याय नहीं कर पाए, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर रामसर चतुर्वेदी जी का कहना है कबीर के बारे में, कबीर की रचना में कितने रंग हैं, अखड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह से संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है, इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी जो कबीर दास जी हैं उनकी तारीफ करते हुए यह कहा है कि हालांकि उन्होंने सिर्फ दोहे या छोटे छोटे पद लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी साहित्य में उनका स्थान किसी महाकवि से कम नहीं है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी यह समीक्षा की उन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगे कहना है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। मतलब जो प्रबंध काव्य लिखने वाले जो कवि हैं उनकी महानता का पता कैसे चलता है, कि उन्होंने जो कथा के मर्म स्पर्शी स्थान है उसे उन्हें पहचान सके हैं कि नहीं। जैसे तुलसीदास जी का रामचरित मानस है, तो जो शबरी वाला जो प्रकरण है, जो शबरी जूठे बेर खिलाती है, ये राम भरत मिलाप है। या दशरथ, जब भगवान राम जब वन में चले जाते हैं तो दशरथ जी का जो वियोग है, तो यह कथा के मर्म स्पर्शी स्थल है। इसके बाद बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना है कि गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन है, तुलसीदास जी है। ये पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कहना है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह सब कथन। इसके बाद उन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के बारे में, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। मतलब तुलसीदास में सगुण और निर्गुण का भी समन्वय है, और भी बहुत सारी चीजों का उन्होंने समन्वय किया है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है, यह उचिता किसी और को प्राप्त नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास है, तो उन्होंने लिखा है कि हिंदी काव्य लेखन की जितनी भी प्रणाली उस समय प्रचलित थी उनमें तुलसीदास ने लेखन कार्य किया है, और उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है वह स्थान हिंदी साहित्य में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी की तारीफ की है, ये उनके प्रिय कवि हैं। तुलसी का रामचरित मानस, देखिए क्या क्या समन्वय किया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी ने क्या 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 समन्वय किया है, तुलसी का रामचरित मानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, और गार्हस्थ से वैराग्य का समन्वय है, गृहस्थ से वैरागी का समन्वय। इन सारी चीजों को उन्होंने समन्वय किया है, इसलिए तुलसीदास जी वास्तव में क्या है, एक लोकनायक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। मतलब हिंदी काव्य गगन के, हिंदी काव्य आकाश के सूर्य और चंद्रमा कौन कौन है, सूर्य तुलसीदास जी है, और चंद्रमा कौन है, सूरदास जी है। तो जैसे रामचरित गाने वाले में तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी पर भगवान कृष्ण के चरित्र का गान करने वालों में सूरदास जी प्रमुख हैं। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है,
सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। यह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। मनुष्य के हृदय में जितनी भी भावनाएं आती होंगी उनको सूरदास जी ने अपने काव्य में परिलक्षित कर दिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद भ्रमर गीत का तारीफ करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अब यह सब सूरदास की तारीफ कर रहे हैं, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है, मतलब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। तो श्रृंगार वास्तव में हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसमें टाइप करने में समस्या होती है, ये ऐसा लिखते हैं श्रृंगार। तो भ्रमर गीत क्या है? सूर साहित्य का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। यदि वात्सल्य श्रृंगार के पदों को भी निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूरदास जी का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही पर्याप्त है। भ्रमर गीत इतना इन्होंने महत्व दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वात्सल्य श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब चाहे उनका वात्सल्य वर्णन हो चाहे श्रृंगार वर्णन हो, जो सूरदास जी का जो अवलोकन है, सूरदास जी ने जो उन्होंने उसका जो अपने काव्य में वर्णन किया है उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कोई जन्म से अंधा व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। प्रबंध काव्य जैसे महाकाव्य, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जैसे कि हम किसी बगीचे में जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधों को फूलों को देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फूल चुनकर जब हम गुलदस्ता बना लेते हैं तो क्या बन जाता है? मुक्तक काव्य। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है, मतलब प्रबंध काव्य को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पुनः कहना है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई देती है। तो तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, तो उनकी रचनाओं में जो संस्कृत की तुकांत पदावली मिलती है, अनुप्रास मिलती है, वह सूरदास में नहीं मिलती। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। अब नाभादास जी का जो भक्तमाला है उसमें विभिन्न कवियों का जीवन परिचय दिया है संक्षेप में, तो उसमें विभिन्न कवियों के बारे में क्या क्या कहा गया है प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा गया है, किसने लिखा है। हिंदू तुरक प्रमाण समयनी रमयनी शब्दी साखी पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाखी आरूढ़ दशा हवय जगत पर मुख देखी नाहिन भनी कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी। मतलब कबीर का किसी षड दर्शन वर्ण आश्रम इन सब चीजों में कोई उनका विश्वास नहीं था, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर फटकार लगाया है। तो नाभादास जी ने भक्तमाल में कबीर के संबंध में यह बात कही है। अब रामानंद के जो शिष्य हैं उनको भी वर्णन इन्होंने किया है नाभादास जी ने भक्तमाल में, कि रामानंद जी के कौन कौन से शिष्य थे, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुरसुर की धरहरि और शिष्य प्रशिष्य एक थे एक उजागर विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसधा के आगर। तो रामानंद जी के जितने भी शिष्य थे अनंतानंद कबीर सुरसुरा पद्मावती पीपा रैदास इन सब का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। इसके बाद तुलसीदास के विषय में उन्होंने क्या कहा है नाभादास जी ने भक्तमाल में, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी शत कोटि रामायण इक अक्षर उच्चरई ब्रह्म इत्यादि परायण अब भक्तन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी रामचरण रसमत रहत अहनिशी व्रत धारी। तो भक्तमाल में इन्होंने लिखा है नाभादास जी ने, किसके बारे में लिखा है? तुलसीदास जी के बारे में। ये सारी पंक्तियां आपको पता होना चाहिए आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो सूरदास जी के संबंध में उन्होंने क्या लिखा है नाभादास जी ने, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबय रचना प्रकाशी विमल बुद्धि गुण और की जव सुन गुण श्रवण करे सूर कविता सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये बात आप ध्यान में रखिए, सारे पंक्तियां आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो भले आपको पसंद होना हो लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, इन पंक्तियों को याद भी करें। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मीराबाई के संबंध में उन्होंने क्या कहा है भक्तमाल में नाभादास जी ने, सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो निरंकुशति निडर रसिक जसना रस गायो दुष्टनी दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो भक्ति निशान बजाई के काहू से नाहिन लजी लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। तो मीरा गिरधर भजी आ गए तो आप समझ सकते हैं कि मीरा के बारे में कहा गया। नामदेव जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नामदेव जी के नाम जो भक्त भक्त कवि हुए हैं, पाती तोड़ी न पाहन पूजी देवल देव न ध्याऊंगा पात पात पर सोतम राता ताकू मैं न सताऊंगा। तो नामदेव जी की पंक्तियां हैं ये।
अबे कबीरदास जी की पूरी पंक्तियां जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जीवन जोवन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। मतलब जो जीवन है क्षणिक है, हमारा यवन भी क्षणिक है, सब कुछ समाप्त हो जाना है, धन दौलत पैसा सब, लेकिन जो समय हम सत्संग में बिताते हैं वही जीवन का फल है। कोटि जतन प्रबोध ये कागा हंस न होए, कितना भी प्रयास कर लीजिए कौवा हंस नहीं हो सकता। अब पछताए हो क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, मतलब जब सारा काम ही बिगड़ गया तब उसको सुधारने से कोई फायदा नहीं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मतलब जो दुर्बल है गरीब है कमजोर है उनको सताना नहीं चाहिए, कबीरदास जी का कहना है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक स्वयं भगवान है उसे कोई नहीं मार सकता। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मतलब जो भी पराजय या विजय है वह यदि आप मन से स्वीकार कर लेते हैं तो विजय हो जाती है, और मन से हार हार मान लेते हैं तो आप हार जाते हैं। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कथनी तजी करनी करे तो विष्ते अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं खाली बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। तो यह सारे यह जो वाक्यांश हैं यह कबीरदास जी के बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, आम कहाँ ते होए, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़ाए सो पंडित होए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी हरि जननी में बालक तोरा, कबीरदास जी चलन चलन सब लोग कहते हैं न जाने बैकुंठ कहाँ है। कबीरदास जी संस किरत है कूप जल भाषा बहता नीर, कबीरदास जी ने भाषा को क्या है बहता नीर कहा है, और संस्कृत को कुआं का जल कहा है। संस्कृत जो भाषा है वह कुएं का जल है, और जो सामान्य भाषा आम जनता की जो भाषा है वह बहता हुआ बहती हुई भाषा है, बहता नीर है। कबीरदास जी ने यह सारी बातें कही। और ये जो है भक्ति द्रावण युग्य लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड, तो यह जन श्रुतियों से प्राप्त हुआ है कि जो भक्ति काल है उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अद्वैतवाद, ये बहुत सारे जो सिद्धांत हुए हैं, मतलब भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था दक्षिण भारत से हुआ था। उसको उत्तर भारत में कौन लेकर आया, रामानंद जी लेकर आए, और अन्य कवियों ने उस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साई के सब जीव हैं कीरी कंजर दो, कबीरदास जी शीतल शब्द उचारिये हम आनिय नाही, कबीर तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही। कबीरदास जी सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस करे न निद्रा। कबीरदास जी झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वैसा हो। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। चरणदास जी नाम के कवि हुए हैं, भक्त कवि, उनका कहना है यह सिर नवय राम को ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परस ये यह तन जायो छूट। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवि नहीं है, लेकिन इनकी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान में रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति मैं बताने जा रहा हूं आपको। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और जाके अंगंग वास समानी, यह प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, संत रैदास की पंक्तियां हैं, और यह माना जाता है कि मीराबाई के गुरु थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग वास समानी, ये रैदास जी की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दूसरे लाइन को नहीं देता है इसमें, क्योंकि इस मलुक दास आपको पता चल जाएगा। तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, मलुक दास की पंक्ति है। औ मन जानी कवित अस्किन्ना, मकुया रहे जगत मचिन्ना। जायसी ने लिखा है पद्मावत के, मैं लिखा है कि भाई मुझे मैं दुनिया में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, इसलिए मैं पद्मावत लिख रहा हूँ। तो जायसी जी की पंक्ति है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाहित का चार भर मुठी, जायसी जी की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नाम का काव्य लिखा है। उन बानन असको जो न मारा, बेदी रहा सिग्रह संसारा, मलिक मोहम्मद जायसी। पीयूसो कहो संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, सो धनी विरही जरी मुई तेग दुआ हम लाग, मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदू मग पर पावन राखे हूं, का बहुत है जो हिंदी भाखे हूं, नूर मोहम्मद, जिन्होंने अनुराग बांसुरी लिखी थी। रुकमणि पुनी वैसे ही मरी मई कुलवंती सत्सो सत भई कुतुबन, यह सब प्रेमा से शाखा के कवि हैं। इब्न रहीम ने लिखा था सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों पंक्तियों को तुलसीदास जी और रहीम दास जी ने मिलकर लिखा हुआ है। रहीमन विपदा हूँ भरी जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सबको।
रहीम कवि क्या कहते हैं कि विपत्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विपत्ति कम समय के लिए हमारे जीवन में आती है, लेकिन इसके इससे हमको पता चलता है कि कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन हमारा सहयोगी है, कौन हमको सहयोग नहीं करता। विक्रम धासा प्रेम का बारा सपनावती कहा गयो पतारा। मज्जन मज्जन नाम के प्रेमा से का कवि इन्होंने कहा है, दोनों ग्रमे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि रज्जब बलनदीप देखा अंग्रेजा तहां जाए जही कठिन करे जा। उस्मान नाम के कवि हैं जिन्होंने चित्रावली लिखी है, इन्होंने लिखा है परहित सरी से धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी ने लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। तुलसीदास जी केशव कहीं ना जाय का कहिए, तुलसीदास जी की पंक्तियां प्राय परीक्षा में सारी पंक्तियां पूछी जाती है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजहि चहुओर वशीकरण यह मंत्र है तजिदे वचन कठोर। ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तुलसीदास जी का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच काम जो आवे कामरी काले करे कुमाच। तुलसीदास जी की पंक्ति है जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। तुलसीदास जी की पंक्तियां ये सारी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तुलसीदास जी ढोर गवार शुद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। तुलसीदास जी ने लिखा है और इसके लिए प्राय के इनकी निंदा की जाती है, इनका उपहास उड़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में तारणा से यहाँ तात्पर्य कुछ विद्वानों का यह कहना है कि तारणा से यहाँ तात्पर्य शिक्षा से है। तारणा मतलब शिक्षा देना, न कि उनको मारना पीटना प्रताड़ित करना, ऐसा विद्वानों का मानना है। तुलसीदास जी का इसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब उनके उनके पर व्यंग किया जाता है, इसका उपहास किया जाता है, उनकी निंदा भी की जाती है इन पंक्तियों के लिए। लेकिन यहाँ पर तारणा से उद्देश्य क्या है, अभी वर्तमान समय में विद्वानों का यह मानना है कि तारणा से तात्पर्य शिक्षा से है। पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना शुद्र न गुण गणी निपुण प्रवीणा। तुलसीदास जी भरोसो अदृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी अवगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी की पंक्तियां हैं मौसम कौन कुटिल कलकामी। सूरदास जी की पंक्तियां हैं तलपत रहित मीन चातक ज्यो जल बिनु त्रिषाणु छीजय। ये भी तुलसी सूरदास जी की पंक्तियां, ये सारे सूरदास जी की पंक्तियां हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, ये प्यासी नहीं है भूखी, ये ध्यान में रखिएगा। अखियां हरि दर्शन की भूखी सूरदास जी की पंक्ति है। तजो मन हरि विमुखन को संग सूरदास जी मानो माई घन घन अंतर दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। सूरदास परमानंद दास जी क्या कहते हैं जब ते प्रीति श्याम ते किन्नी ता दिन ते मेरे इन नैननी नेकहु नींद न लिनी। परमानंद दास जी का करो बैकुंठ ही जाई जह नहीं नंद जशोदा नाही जह नहीं गोपी ग्वाल लगाए। परमानंद दास जी कहते हैं जहां पर नंद भी नहीं है जशोदा भी नहीं है जहां पर गोपी भी नहीं है ग्वाल भी नहीं है वहां जहां गाय भी नहीं है वहां पर जाने से क्या फायदा। ये कुंभन दास जी की ये जो पंक्ति है ना प्राय अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संतन को का सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। कुंभन दास जी की अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्राय परीक्षाओं में आता है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना है सो लेव। जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई तब विठल दास जी ने यह कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना है सो लेव, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास ये मीराबाई जी का कहना है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। इसके बाद मीराबाई जी ने फिर कहा है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई सावन में उमग्यो हीरा भजक सुनिया हरी आवड़ी। मीराबाई अभी रस खान जी ने वास्तव में रस के खाने बहुत ही मधुर पंक्तियां इन्होंने लिखी है ब्रज भाषा में, कृष्ण काव्य में बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां बहुत ही मधुर पंक्तियां लिखते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। मतलब कौवा कितना भाग्यशाली है जो भगवान कृष्ण के हाथ से ही माखन और रोटी लेकर चला जाता है, प्रसाद मिल जाता है उसको। या लकुटी अरु काम अरिया पर राज तिहुपुर को तई डारो। रस खान तो रस खान को आप जरूर पढ़ें, आपको इतने मधुर तरीके से इन्होंने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन। तो आगे मैं ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपका लेकर आऊंगा जो सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन में दबा रहे ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही आज का जो एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।